जय जगन्नाथ, वेलकम टू एकाम्र एकेडमी। फ्रेंड्स आज आम डिस्कस करा 14 जुलाई इंपोर्टेंट करंट अफेयर कौन अच्छी। मोर गोटे रिक्वेस्ट, आपड़ भिडियो को स्किप नक भिडियो को शेष जाए देखु। भिडर शेष क्विज अच्छी से अटेंड कर जातु। डेली मॉर्निंग रे करंट अफेयर पाइबा चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, आउ बेल आइकन को भी प्रेस करूँ। आउ करंट अफेयर PDF जो चाहूँ देन आप टेलीग्राम रे भी जॉइन करें। ओके, यही करंट अफेयर आप अपकमिंग एग्जाम लाइक ओडिशा पुलिस, OSSSC, RI, अमीन एंड अलग अलग एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो चलो डिस्कस करवा आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट ए न्यू डिपार्टमेंट फॉर ट्राइबल्स। ट्राइबल्स मानों को गोटे नुआ डिपार्टमेंट बनवाई को राज्य सरकार डिसाइड कर। इट इज डिसाइडेड बाय आसाम स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली आसाम स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ट्राइबल्स मानक जो अनुसूचित जाति रहउचंदी, ओके, से मानको डेवलपमेंट पई गोटे नुआ डिपार्टमेंट बनेबा जाउचंदी। ओके, आ विषय में आम डिटेल डिस्कस करिबा। एबे देखिबा आसाम रो कैपिटल CM एंड गवर्नर। आसाम रो कैपिटल कौन? दिसपुर। CM हेमंत विश्व शर्मा एंड गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखीजी। ओके, रिसेंटली मु नहीं आसुची जे टोटल ऑल आम इंडिया रो स्टेट कैपिटल एंड गवर्नर। ओके, सब स्टेट रो नहीं आसुची, तो वीडियो टी निश्चय देखिए फ्रेंड्स। ओके, आज इवनिंग रे आसीबो। ओके, तो देखिबा आ विषय रे कौन ट्राइबल डिपार्टमेंट रही। देखंतु, दि आसाम कैबिनेट ऑन 11 जुलाई 2021 डिसाइडेड टू क्रिएट ए न्यू डिपार्टमेंट टू प्रोटेक्ट कल्चर प्रैक्टिस ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू ट्राइबल्स एंड अदर इंडिजिनियस कम्युनिटीज। ओके, CM हेमंत विश्व शर्मा सेड। रिसेंटली CM हेमंत विश्व शर्मा आसाम रो CM से कहिजन जे गोटे ट्राइबल्स मानक गोटे नुआ डिपार्टमेंट बना हबो ताकि कल्चर प्रोटेक्ट करहबो, से माने जो भी बैकवर्ड्स रोचन से मानको आगो को नहीं आसा जीवो। ओके, द न्यू डिपार्टमेंट विल बी एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। ए न्यू डिपार्टमेंटा गोटे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हबो। ओके, द आसाम कैबिनेट हैज रिक्वेस्टेड द फाइनेंस मिनिस्टर टू एलोकेट सब्सटेंशियल बजेट फॉर न्यू डिपार्टमेंट इन द अपकमिंग स्टेट बजेट। आमर जो आसाम रे जो सब स्टेट स्टेट बजेट रोचे से स्टेट बजेट रे आसाम कैबिनेट डिसाइड रिक्वेस्ट करछे फाइनेंस मिनिस्टर को से जो ट्राइबल्स डिपार्टमेंट पाई किसी बजेट एलोकेशन करिवे। ओके फ्रेंड्स, ये थिला ता ऊपर डिटेल्स डाटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। वर्ल्ड मलाला डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट एवरी ईयर। प्रति वर्ष वर्ल्ड मलाला डे केबे मनाउछि? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन July 12 एवरी ईयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एवरी ईयर July 12 तारीख रे वर्ल्ड मलाला डे मनाउछि, आपण जानिथिबे। ओके, मलाला युसुफजई को जानिथिबे, आ विषय रे भी डिटेल्स देखिबा। देखंतु कोन रहिछि, 12 होछि, July 12 होछि वर्ल्ड मलाला डे। The United Nations designated 12 July to be observed as World Malala Day on 12 July 2013 in the honor to young Pakistan human rights activist Malala Yousafzai. Okay, Malala Yousafzai ko honor deya pai. Okay, se Pakistan ro human rights activist. Okay, young, sabuthu young. Okay, to United Nations declared kala je 12 tarikh re Malala Day manahabo. July 12 is also marked as the birth anniversary of युसुफजई, द यंगेस्ट नोबेल प्राइज लिटरेट और नोबेल प्राइज विनर। ओके, 12 जुलाई हूँ मलाला युसुफजई बर्थडे, दैट्स व्वे मलाला युसुफजई हूँ सबुठ आप जानते यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर। ओके, तो दैट्स व्वे 12 जुलाई में वर्ल्ड मलाला डे मना हूँ। ओके, ऑन हर 16th बर्थडे ऑन 12 जुलाई 2013 जोटा युसुफजई डेलीवर्ड द स्पीच एट द UN हेडक्वार्टर ऑन द नीड फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड फॉलोइंग व्हिच द डे इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड मलाला डे बाय UN। मेन होता जे 16 नंबर बर्थडे रे, ओके, 16th बर्थडे रे 12 जुलाई 2013 युसुफजई कहिछन जे जेंडर एजुकेशन रिलेटेड रे मेल फीमेल समस्ते समान। ओके, बॉयज गर्ल्स समस्ते समान, तो जेंडर इनइक्वालिटी को रोकवाई, ओके, से एजुकेशन मामला रे से स्पीच दे थिले UN हेडक्वार्टर रे, दैट्स व्हाई UN डिसाइड कला जे वर्ल्ड मलाला डे मना हबो 12 जुलाई रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट हैज इनॉग्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। रिसेंटली LNG गैस जोड़ा इंडिया फर्स्ट प्राइवेट LNG गैस फैसिलिटी को सिटी सेटअप माने इनॉग्रेट हो। इट इज इनॉग्रेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
रिसेंटली इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट इनॉग्रेट होइछि नागपुर महाराष्ट्र रे। ओके, किए इनॉग्रेट करछन्ति? इट इज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी। ओके, आ विषय भी डिटेल्स देखिए देखते कौन रही। रिसेंटली नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट इन नागपुर महाराष्ट्र July 11, 2021। ओके, द प्लांट हैज बीन सेट अप ऑन कंपित रोड नियर नागपुर जबलपुर हाईवे रोड। ओके, ये प्लांटा कौटी सेटअप हो कांपती रोड नियर नागपुर जबलपुर हाईवे। ओके, बाय बैद्यनाथ आयुर्वेद ग्रुप। ओके, दि मेकर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो मैंने आयुर्वेद मेडिसिन बनाऊंट से आयुर्वेद मेडिसिन मान द्वारा आयुर्वेद मेडिसिन मेकर द्वारा बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप द्वारा एटा सेटअप करा जाउची। वन्स ऑपरेशन दिस एलएनजी फिलिंग स्टेशन इन नागपुर विल बी द फर्स्ट सच फैसिलिटी टू ऑपरेट ऑन कमर्शियल बेसिस। एटा होची फर्स्ट जोटा कि प्राइवेट बेसिस रे कमर्शियल हो जाउची। एलएनजी इज ए क्लीन, एलएनजी रो फुल फॉर्म तो ऑलरेडी हमें डिस्कस करचंदी कोन, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज ए क्लीन पॉल्यूशन फ्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव लिक्विड फ्यूल व्हिच इज आल्सो इजी टू स्टोर एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिबा, वेयर हैज द ओल्डेस्ट ज्वेलरी बीन डिस्कवर्ड, कौटी ओल्डेस्ट ज्वेलरी डिस्कवर हो? इट इज इन कौटी जर्मनी रेफरेन्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी रे वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट ज्वेलरी डिस्कवर हो। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ज्यूरी मेंबर फॉर शूटिंग एट टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक रे शूटिंग पाई किए फर्स्ट इंडियन जे कि ज्यूरी मेंबर होती? ही इज पवन सिंह। ओके, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रो जॉइंट सेक्रेटरी जनरल पवन सिंह सिलेक्ट होइछन जे फर्स्ट इंडियन ज्यूरी मेंबर फॉर शूटिंग एट टोक्यो ओलंपिक। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पवन सिंह बनिछन्ति कौन ज्यूरी मेंबर शूटिंग पाई टोक्यो ओलंपिक रे। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज पीएम ऑफ इथोपिया। रिसेंटली इथोपिया रो पीएम भाव में किए इलेक्ट होती? ही इज अबी अहमद अली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली अबी अहमद अली हैज बीन इलेक्टेड एज पीएम ऑफ इथोपिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। ओके, आ पूर्व भी ये ही थे पुणी इलेक्ट होती। आ विषय देखा कौन रही? दिस विल बी अबी अहमद सेकेंड कंजुकेटिव टर्म एज द पीएम ऑफ इथोपिया, सॉरी सेकेंड फ्रेंड्स सेकेंड। ओके, सेकेंड कंजुकेटिव टर्म एज पीएम ऑफ इथोपिया। अबी अहमद अली इज द इथोपियन पॉलिटिशियन सर्विंग एज फोर्थ पीएम ऑफ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया सिंस 2nd April 2018। ओके, यहाँ हूँ अबी अहमद अली सेकेंड कंजुकेटिव टर्म। ओके, आउे होती 4 नंबर पीएम ऑफ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया 2018। ओके, ही इज द फर्स्ट इथोपियन एंड द फर्स्ट ओरोमियो बी अवार्डेड एट नोबेल प्राइज। से होती फर्स्ट इथोपियन एंड फर्स्ट ओरोमो जिकि जहाँ को नोबेल प्राइज दि जाइए था विनिंग इन 2019। कम से एंड कर 20 इयर्स पोस्ट वार टेरिटोरियल सेटलमेंट गोटे करते बिटवीन इथोपिया एंड एरिथ्रिया। इथोपिया और एरिथ्रिया भितर जो 20 वर्ष युद्ध चलता से बंद करते से नोबेल प्राइज दि जाइए। ओके, नेक्स्ट देखा, 15 यूरोपियन यूनियन कंट्री हैज हैव रिकॉग्नाइज्ड व्हिच कोरोना वैक्सीन फॉर ट्रैवल। 15 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जेकि रिकॉग्नाइज करछन्ति को कोरोना वैक्सीन को ट्रैवल पई, इट इज कोविशील्ड फ्रेंड्स। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोविशील्ड को 15 यूरोपियन कंट्री रिकॉग्नाइज करछन्ति सेमानको कंट्री को ट्रैवल करि परिबे बोली। ओके, तो कोविशील्ड इज डेवलप्ड बाय SII सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अदर पुनवाला तार CEO। ओके, आ विषय भी डिटेल्स देखिए देखते कौन रही। WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन हैव सेड 15 कंट्रीज इन द EU यूरोपियन यूनियन नाउ रिकॉग्नाइज कोविशील्ड वैक्सीन फॉर ट्रैवल्स। ओके, दिस कोविशील्ड वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड डेवलप्ड बाय AstraZeneca एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, स्विट्जरलैंड एंड आइसलैंड एंड सम यूरोपियन कंट्रीज हैड अर्लियर एक्सेप्टेड कोविशील्ड फॉर ट्रैवल कंट्री। ओके, कोविशील्ड ट्रैवल पई ऑथराइज होती WHO द्वारा। ओके, एंड 15 यूरोपियन कंट्री भी एप्रूव करो मैंने कोविशील्ड नहीं कमेंट लिखी जन एंड कौ मैंने कोवैक्सीन नहीं कमेंट लिखी जन फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट देखा,
ह्विच कंपनीज प्रेसिडेंट अमित नायर हैज रिजाइंड रिसेंटली कौ कंपनी रो प्रेसिडेंट अमित नायर रिजाइन देचंदी ही इज पेटीएम पेटीएम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली पेटीएम प्रेसिडेंट अमित नायर हैज रिजाइंड ओके नेक्स्ट देखिबा हु हैज लॉन्च्ड माय श्रीनगर मोबाइल आप रिसेंटली किए लॉन्च करचंदी माय श्रीनगर मोबाइल आप इट इज लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा जी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉन्च करचंदी माय श्रीनगर मोबाइल आप श्रीनगर अपन जानी परिवे माय श्रीनगर मोबाइल आप ताकि सेथिरे श्रीनगर रो जो कल्चर हेरिटेज एंड सेमानकर डेवलप्ड जहाँ जहाँ हेरिटेज साइट रही सेगुड़ा से शो करके सेगुड़ा विषय जानी हम फ्रेंड्स ओके नेक्स्ट हु विन्स दि गोल्डन बुट इन यूरो 2020 रिसेंटली किए जीति गोल्डन बुट इन यूरो 2020 ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओके पर्तुगीज रो फुटबॉल आप जानते ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके क्रिस्टियानो रोनाल्डो विन्स दि गोल्डन बुट इन यूरो 2020 ओके नेक्स्ट फ्रेंड्स ये थी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एवं देखा आज क्विज कौन अच्छी आज क्विज जब आप कल वीडियो देखी भलसे देन अटेंड करें एंड ट्राए करूँ अटेंड करने ओके तो चलो डिस्कस करवा हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक किए बनी फर्स्ट इंडियन गोल्फर जिकि टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई होती कमेंट्रे लिखी जनइबे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू जुअर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग कीप लविंग जय जगन्नाथ वंदे मातरम